भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज। नमस्कार, मैं स्वाति, एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी के स्थानांतरण पर पुष्पगुच्छ भेंट कर विदाई दी। विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी का स्थानांतरण सतना जिले में किया गया, जिस पर विद्यार्थी जयराज चौधरी, सौम्या खरे, शुभचिंतक, राजकुमार यादव, रविन्द्र चड्डा, मृगांक शुक्ला आदि ने विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी को पुष्पगुच्छ भेंट कर विदाई दी। इसी दौरान विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी ने बताया कि जबलपुर जिले में कार्य अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर सचिव जिला न्यायाधीश श्री उमा शंकर अग्रवाल एवं समस्त स्टाफ के द्वारा बहुत ही अच्छा सहयोग प्रदान किया गया है। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में इंटर्नशिप के दौरान आए हुए विधि विद्यार्थियों के शासकीय एवं विधिक कार्यालयों से संबंधित कार्यवाहियों से अवगत कराने के दौरान विधि विद्यार्थियों का भी इसने प्राप्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में मुझे 3 वर्ष पूर्ण होने पर मेरा स्थानांतरण करना हुआ है, क्योंकि मेरा गृह जिला छतरपुर है। मैं घर के आसपास जाने का प्रयास कर रहा था और जबलपुर में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा समय व्यतीत हुआ। जो वास्तव में निजी व्यक्ति थे उनको हर संभव विधिक सहायता उपलब्ध कराने की मेरे द्वारा कोशिश की गई। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो विधि छात्र अध्ययनरत रहते हैं वहाँ इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं, तो इंटर्नशिप उनको उपलब्ध कराने के लिए माननीय सचिव महोदय एजुकेशन में हर संभव कोशिश की गई कि उनको अधिक से अधिक बेहतर स्तर की इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए। उनको सेंट्रल जेल, पुलिस थाने, विधिक सेवा प्राधिकरण की जो जो गतिविधियाँ हैं और जितनी भी उनके कानून में जो सहायक होने वाली विजिटेड हैं, चाहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो या कोई भी हो, उनको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की गई। और मेरे द्वारा ये कोशिश की जाती है कि हर संभव जो मैक्सिमम स्तर का प्रयास हो सके, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ मैं अपने कार्य को संपादित करने की कोशिश करता हूँ। कोरोना काल में भी आपने यहाँ पर रहा और आपके बीच में अध्ययन पर बच्चों ने प्राप्त किया करके, कैसा पड़ाव रहा है जबलपुर संस्कार धाम में और लोगों के प्रति आपको कैसा व्यवहार रहा, कैसा रिस्पांस मिला छात्रों के प्रति भी और भी यूनिट भी जो थी, कैसा क्या रहा? निश्चित रूप से जबलपुर के लोग काफ़ी बुद्धिमान और मेहनतकश होते हैं और उनका बराबर मुझे सहयोग मिला। मैं यूँ कहूँ कि मुझे उनका सहयोग ज़्यादा मिला, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कोरोना काल में भी चाहे राशन का वितरण हो या कोविड वैक्सीन हो, विधिक सेवा प्राधिकरण ने हर संभव सहायता आमजन को उपलब्ध कराई है। और जो उस समय प्रवासी मजदूर थे, लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोगों को हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क राशन का वितरण भी किया गया। निश्चित रूप से वो एक बहुत ही महामारी का समय था, हम लोगों से जितना हो सका हम लोगों ने पूरा बेहतर करने की कोशिश की।